विनिर्माण को चीन से हरियाणा में स्थानांतरित करने की और विशेष सुविधा प्रदान करने के साथ साथ और उसके उद्देश्य को पूरा करने के साथ कई निवेशकों के साथ बुधवार को चंडीगढ़ में हुई वेबिनार श्रृंखला के पहले दिन कई ऐसे क्षेत्रों जिनकी आपूर्ति श्रृंखला कोरोना महामारी के चलते बाधित हो गई है, जिसमें कारोबार को बढ़ावा देने के मद्देनजर कई ऐसे सुझाव भी दिए गए। वेबिनार के दौरान सरकार की उन नीतियों का विस्तृत चर्चा की गई जो निर्माण इकाइयों तथा तत्काल स्थानांतरण के लिए हरियाणा को एक व्यवहार्य गंतव्य बनाएगी। वहीं उद्योगपतियों द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के सुझावों में आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकों को आवश्यक वस्तुओं की सूची में डालना तथा चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के विनिर्माण पर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए वस्तुओं को भारत सरकार की आईटी एवं ईएसडीएम नीति में शामिल करना और राज्य में ट्रकर्स पार्क विकसित करना, इस प्रकार के कई सुझाव शामिल हैं। इसके अलावा भूमि की खरीद में शामिल लागत पर उद्योग की चिंता को समझाते हुए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के चेयरमैन एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने आश्वासन दिया है कि राज्य की पट्टे पर दी गई भूमि या पट्टे पर लेने के लिए भूमि को पट प्रदर्शक नीति लाने की योजना है। इसके अनुसार निवेशक पट्टे पर ली गई जमीन पर काम कर सकेंगे और कुछ समय बाद यह जमीन कुछ शर्तों के साथ एक फ्री होल्ड परिसंपत्ति में परिवर्तित हो जाएगी। हरियाणा में कारोबार की लागत में कटौती के उद्देश्य से शुरू की गई यह पहल निवेशकों से जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।